EASTE मॉड्यूल 3 यूनिट 4 के आंसर्स। इस यूनिट में सबसे पहली एक्टिविटी है रिफ्लेक्शन करंट नॉलेज एंड बिलीफ। इसमें फीडबैक सबमिट करना है। आप कोई भी अपनी मर्जी से आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर सिर्फ ग्रेड 3 सेलेक्ट करके सबमिट कर दूंगा। इसके बाद कंटिन्यू करना है। अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी मल्टीपल चॉइस अटैम्प्ट करते हैं इसे। क्वेश्चन 1, विच मैथड इज़ द ट्रेडिशनल मैथड? इसका आंसर है डिडक्टिव। क्वेश्चन 2, विच डज शी रिकमेंड? इसका दुरुस्त आंसर इंडक्टिव है। और क्वेश्चन 3 में, यूजिंग द इंडक्टिव मेथड व्हाट डज शी से द लर्नर कैन इन्फर द रूल? इसका दुरुस्त आंसर द रूल है। सबमिट करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सबमिट ऑल एंड फिनिश ओके। 3 out of 3 ठीक है, 100% है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी है टीचर टॉक, अटेम्प्ट करते हैं इसे। इसमें क्वेश्चन 1, मैरून इज कलर का आंसर है डिडक्टिव। क्वेश्चन 2, इकराम सेज, इस क्वेश्चन का आंसर है इंडक्टिव। क्वेश्चन 3, रीड द टेक्स्ट अगेन, इसका आंसर है इंडक्टिव। और क्वेश्चन 4, वी यूज शी टू रेफर, इसका आंसर है डिडक्टिव। क्वेश्चन 1 डिडक्टिव, क्वेश्चन 2 इंडक्टिव, क्वेश्चन 3 इंडक्टिव और फिर क्वेश्चन 4 डिडक्टिव। सबमिट करते हैं और चेक करते हैं रिजल्ट क्या आता है। 4 out of 4 है। आप दोबारा से इनके आंसर को कंफर्म कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट, इस PDF को ओपन करना है। अभी टाइम बचाने के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ इसे। अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी दोबारा से PDF वाली है। इसको अभी नेक्स्ट करके स्किप कर देते हैं फ़िलहाल। आपने इन तमाम PDF वाली एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना है, PDF ओपन करनी है। इससे परसेंटेज पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तीसरी बार दोबारा PDF आ गया है, इसको भी फ़िलहाल के लिए स्किप करते हैं। फोर्थ टाइम दोबारा PDF, इसे भी दोबारा स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आ गई है कंसीडर द मटेरियल्स अटैम्प्ट को यूज़ करते हैं। इन तमाम एक्टिविटीज़ में बुक की पिक्चर्स लेके लगाई गई हैं और उनको ही रीड करके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो क्वेश्चन 1 में, व्हेन यू रिसीव ए सरप्राइज गिफ्ट, इसका आंसर है एक्सपीरियंस। क्वेश्चन टू है, लुक एट द गिवन पिक्चर, इसका आंसर है प्रिडिक्ट। क्वेश्चन 3, वाइल रीडिंग व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड हफ्सा मदर ऑर्डर, इसका दुरुस्त आंसर है टेक्स्ट। क्वेश्चन 4, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इसका दुरुस्त आंसर है अंडरस्टूड। और क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल पास्ट टेंस, इसका दुरुस्त आंसर है स्ट्रक्चर। सबमिट करते हैं, इसके बाद रिव्यू में मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा सारे आंसर्स। इसमें भी 5 out of 5 हैं। तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स एक बार दोबारा आपके सामने आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट्स बनाना चाहते हैं तो बना लें। अब अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट PDF आ गया है, इसे फ़िलहाल स्किप करते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। PDF से अगली एक्टिविटी है टाइम लाइन्स, अटेम्प्ट करते हैं इसे। टाइमलाइन एक्टिविटी में टाइमलाइन गिवन है और ऊपर डॉट्स लगे हुए हैं। इन डॉट्स की पोजीशन को देख के क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो फिलहाल डॉट दरमियान में है, तो इस लिहाज से क्वेश्चन 1 का जो आंसर बन रहा है वो है मरियम इज़ ईटिंग। क्वेश्चन टू को पहले रीड करना है, उसके बाद नीचे पिक्चर्स को मैच करना है। क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ पूछी गई है, ग्रैंडपा हैज़ विजिटेड सऊदी अरेबिया, पिक्चर को मैच करके इसका आंसर बनता है ये वाला, जिसको आप पहचान लें। एरो जो है वो बैक साइड पे है क्योंकि पास्ट की बात है। इसे सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं। सबमिट ऑल एंड फिनिश ओके। थ्री आउट ऑफ थ्री है, क्वेश्चंस 2 थे लेकिन इसमें ग्रेड जो हैं वो 3 out of 3 मिले हैं। अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है सब्स्टिट्यूशंस, अटेम्प्ट करते हैं इसे। इसमें सेंटेंस आपने रीड करना है, करेक्ट और इनकरेक्ट
करते जाना है। मरियम वाज सिंगिंग व्हेन द डोरबेल रैंग, करेक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर टू, मरियम वाज ग्रैंडपा व्हेन द डोरबेल रैंग, ये है इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, ग्रैंडपा वाज ईटिंग व्हेन द डोरबेल रैंग, करेक्ट है ये। और क्वेश्चन नंबर फोर, सिंगिंग वाज ईटिंग व्हेन द डोरबेल रैंग, तो ये देखते ही पता लग गया कि ये इनकरेक्ट है। यानी क्वेश्चन वन करेक्ट आ रहा है, क्वेश्चन टू इनकरेक्ट है, क्वेश्चन थ्री फिर करेक्ट है और क्वेश्चन फोर इनकरेक्ट है। सबमिट करते हैं और रिजल्ट को देखते हैं। सबमिट ऑल एंड फिनिश, ओके। ग्रेड 4 out of 4 है। क्वेश्चंस को आप दोबारा से एक बार देखकर स्क्रीनशॉट्स बना सकते हैं। अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी मल्टीपल चॉइस, इसको अटेम्प्ट करते हैं। इस एक्टिविटी में क्वेश्चन वन का आंसर डैश है ट्रेवल बाय डैश, सेकंड है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, माय ब्रदर हैव हैज़, इसका आंसर है फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर थ्री, कंडक्ट ए सर्वे वाले क्वेश्चन का आंसर है थर्ड। सबमिट करते हैं और चेक करते हैं रिजल्ट को। इसमें भी 3 out of 3 ग्रेड है। दोबारा से आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कंफर्म कर सकते हैं, साथ ही स्क्रीनशॉट भी बना लें। अब बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। इससे अगली एक्टिविटी है रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी, इसे अगली एक्टिविटी क्विज है। क्विज को सॉल्व करने से पहले हम डिस्कशन फोरम यूनिट 4 को हल करेंगे। हर यूनिट के डिस्कशन फोरम में एक टास्क का आंसर लाजमी है, इसलिए आपने डिस्कशन फोरम में पार्टिसिपेशन लाजमी करनी है। इस बार इससे परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है। डिस्कशन फोरम और क्विज़ के आंसर्स के स्क्रीनशॉट्स आपके सामने आ रहे हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स बनाते हैं। सबसे पहले डिस्कशन फोरम टास्क 1 है यूनिट 4 की, इसका आंसर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट बना लें। अब क्विज़ के आंसर्स आ रहे हैं, क्विज़ के ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस हैं। क्विज़ के एक या दो सवाल मिस भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 4 टीचर्स के ही क्विज़ के आंसर्स आए हैं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन मिस हो रहा है तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं।